नाव सांगा तुमच्या साहेब. माझं नाव प्रतीक अरुण सोळसे, मी नाशिक वरून आलोय. आप क्या गाने वाले हैं? मराठी सॉन्ग गाने वालो. अच्छा अच्छा, चलिए फिर ऑल द बेस्ट. सची बात जीव घुट मळ तसा पिरतीच वाढतय बळ. तुझ्या तोंडाला तोंड माझ मिळ का नाही बघून दुश्मन जळ. वार ठगायला लागली कळ पाणी थेंब थेंब गळ. अच्छा दे रहा है परफॉर्मेंस. बहुत सर, मिट्टी मिट्टी का कमाल है सर. मिट्टी से जो जुड़े हुए लोग हैं ना. थैंक यू यार. लेकिन प्रतीक एक है, कुछ भी दो लाइन हिंदी में भी सुना दो यार. ओके. बहुत प्यारा गाया आपने लेकिन ये गाना तो बोला मेरी. हाय हाय, क्या बात है. नाइस. तीजा तेरा रंग था मैं तो, तीजा तेरा रंग था मैं तो, जिया तेरे रंग से मैं तो, तू ही था मौला तू ही यार, मौला मेरे ले रे मेरी जान, मौला Nice. आपने जो अपनी मिट्टी का रंग दिखाया है ना, वो साबित कर दिया कि आप महाराष्ट्र पुत्र हो. बिल्कुल. क्या बात है, जबरदस्त. थैंक यू. प्रतीक जी, आप कितने साल के हैं? क्या है जी? मैं 19 साल का हूँ. आप 19 साल के हैं? मैं 19 साल का. अब भी 12th की मेरी एग्जाम थी. एग्जाम देकर मैं ऑडिशन. 12th का एग्जाम देकर आए हो? इतने छोटे हैं? यस. ओह माय गॉड. प्रतीक जी, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि इंडियन आइडल में आने का आपका मकसद और क्या सपने हैं आपके? मेरा सपना ये, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं कि मैं एक स्टेज पे दिखूँ. हमारी हालत ने म्यूज़िक सीखने के लिए घर से 100% मुझे सपोर्ट है. प्रतीक, हम आपके सपनों को थोड़ा और करीब लाते हुए आपको गोल्डन टिकट देना चाहते हैं. आइए और ले जाइए. आप रो क्यों रहे हो भाई? क्यों रो रहे हो आप? ये खुशी मैं मम्मी के हाथ में देना चाहता हूं. मेरे वाह, मेरी मम्मी अभी आई नहीं, अभी पापा आए मेरे. ये तो पहले पापा के हाथ में. अगर पापा इधर हैं तो पापा को बुलाइए, हम उनको देंगे. बुलाइए ना. आइए. पापा आप भी रो रहे हैं, क्या हो गया है आपको? आपके बेटे ने झंडे गाड़ दिए हैं. आज जो गाया है उसने साबित कर दिया है कि ये महाराष्ट्र का सच्चा पुत्र है. दाता तेरा कैसा है रे मोकरण, दाता तेरा कैसा है रे मोकरण. मेरा पहला गैरेज था मोटरसाइकिल का. ये बचपन से गाता था. लेकिन मैं अगर किसी कंपनी में काम करूं तो कम से कम 8 घंटा मुझे उधर रुकना पड़ेगा. बिल्कुल. तो उसके पीछे मुझे भागना नहीं पड़ेगा. तो मैंने कौन से भी कंपनी में काम नहीं किया, मैंने गैरेज का काम किया. मैं गैरेज सीखा. लॉकडाउन में मेरा गैरेज पूरा बंद हो गया.
वो बंद हो गए होने के बाद फिर मैं सब्जी बेचने लगा। मैं 3 बरस से सब्जी बेचता हूँ। इतनी मेहनत करता है क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होने के कारण मैं उसको सिखा नहीं पाता। कभी उन्होंने बोला कि महीने में 15,000, तो कहाँ से इतने पैसे लाने का। मैं 400-500 रुपए में कमाता हूँ दिन में से, उसमें हमारा गुजारा चलता है। तो मैं, मेरे बेटे को तुमने ये जो दिया, आप मेरे लिए भगवान है। हमने तो आपका बेटा लिया है, आप इसको कुछ दिया नहीं है, लेकिन इस खुशी में आपको होना बहुत जरूरी है। अरे बजाओ यार, बजाओ। प्रतीक ने तो गोल्डन टिकट जीत कर अपने पापा का सपना पूरा किया। जिंदगी और जिम्मेदारियां पूरी कोशिश करती हैं कि लोग सपनों से दूर अपने काम में लगे रहें, पर इंडियन आइडल वो सपना है जिसके लिए काम खुद कहता है, भाई जा अपना सपना पूरा कर। पिछले कुछ सालों से मैं पुलिस में काम कर रहा हूँ। मुझे यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगा कि मेरी 2 जिंदगी है, एक थाने में और दूसरे गाने में। मैं कपड़े की दुकान में सेल्समैन का काम करता हूँ। इंडियन आइडल में अच्छे अच्छे गाने वाले आके गए हैं। मेरा भी एक सपना है कि मैं भी वहाँ तक जाऊँ। मैं एक हॉकी प्लेयर हूँ और भारतीय टीम के लिए मैंने 2016 में इंडोनेशिया मैच भी खेला है। जैसे बिना खाए हुए इंसान नहीं रह सकता है, वैसे बिना म्यूजिक के, बिना सिंगिंग के मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं स्कूल में अभी फिलहाल कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब करता हूँ। आज एम लेके आया कि इतना दिनों का जो प्रिपरेशन चल रहा है, इतना दिनों का जो सपना था इंडियन आइडल में आने का, वो आज मौका मिल रहा है, तो अच्छी तरीके से एकदम ऊपर वाला का नाम लेकर गाना पड़ेगा। नमस्ते मैम। वॉइस क्वालिटी तो पहले से ही अच्छी है। नमस्ते में वॉइस क्वालिटी अच्छी लग रही है। थैंक यू सर। जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कौशिक चक्रवर्ती है। कौशिक, आप कोलकाता से हो? जी सर। और क्या करते हैं आप? सर मैं एक टीचर था लेकिन जॉब छोड़ के आया। क्यों? असल में जॉब जिस पर्पस में मैंने लिया था उससे ज्यादा कुछ अलग काम हो रहा था, इसीलिए। क्या काम हो रहा था भाई? मेरा जो ड्यूटी था वो तो बच्चे को सिखाना था। Correct, तो उसके बाद बूढ़ा को भी सिखाना पड़ता था जो प्रिंसिपल है। अब तो मतलब आप वापस तो नहीं जा सकते। So funny. नहीं लेकिन आप ना बहुत खुंदक में हो उनके साथ। हाँ मतलब कोई सिर्फ सिखाने का मामला नहीं, और कुछ भी हुआ है क्या? है सीन क्या है? हमारा स्कूल था 7 बजे से 2:30 बजे तक। तो उसके बाद हमारे सर ने बुला लेते थे मुझे, तो ऐसे रात 9 बजे तक चलता था उनके महफिल। मतलब कि वो बैठा रखता था, आप फालतू के बकते थे और दिमाग खा लेते थे मेरे। फिर वो बांसुरी बजाते हैं और इतना बाप रे बाप। ये कितनी अच्छी बात है, आप गा रहे हैं, आपके सीनियर बांसुरी बजा रहे हैं साथ में, इतना अच्छा तालमेल होगा। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो बांसुरी अगर डीप में आप गा रहे हैं तो ए में कैसे बांसुरी मिलेगा, आप बोलिए। अच्छा अच्छा बेसुरा था। हाँ। उसके बाद और क्या करते थे वो? बहुत ही मतलब कि अपने नशे में डूब रहता था। नशे में दारू भी पीते थे। गाना बजाना सुनना इबादत करना अलग बात होता है, लेकिन गाली बकना तो हर रोज कौन सहेगा ये? और गाली भी बोलता था? हाँ हर रोज हर रोज। अगर आपने बहुत अच्छा गा दिया तो मैं भी आपके पापी प्रिंसिपल को बहुत प्यारा मैसेज दूंगा। जी सर जी सर। ये मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे, कोई टोह टोह ना लागे, किस तरह गिर है सुलझे। है रोम रोम एक तारा,
लागे तेरी उंगलियों से जा उलझे कोई टोहा टोहा ना लागे किसी तरह गिर है सुलझे। ओके 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 कौशिक कौशिक मेरी तरफ से आई रियली लाइक द क्वालिटी ऑफ योर वॉइस तो मेरी तरफ से आई फील लाइक वी शुड डेफिनेटली गिव यू वन मोर शॉट तो मेरी तरफ से हाँ है। आपका ये जो सपना है ना ये एक एक्चुअली इंडियन ड्रीम है तो हम आपके सपनों को सहूलियत देंगे और आपको आगे लेकर जाना चाहेंगे नेक्स्ट राउंड में मेरी तरफ से भी हाँ है। थैंक यू कौशिक की जिंदगी का सबसे बड़ा सवाल ही है उनके प्रिंसिपल से। ऋतिक का सवाल है क्यों चलती है पवन क्यों झूमे है गगन। मेरे बिना में रहने लगी हूं तेरी हवा जाने में कैसे तेरी हुई हूँ मुझे तो लगता है मैं शायद तेरे दिल की दुआ हूँ तुझको जो पाया जीना आया अब ये लम्हा ठहर जाए थम जाए बस जाए हम दोनों के All three of us really like your voice quality. और मैं तो आपकी सिंगिंग को जानता भी हूँ. It's not fair that मैं decision लूँ इस मामले में, right? तो हालांकि मैंने already लिख दिया है कि मेरी decision क्या है, but I want Himesh and Neha to give you their decisions first. मेरे लिए तुम्हारी tonal quality बहुत ज़्यादा work करती है और बहुत सुंदर आवाज़ है आपकी and बहुत potential है आगे जाने के लिए. इसलिए मेरी तरफ से You're sure? हंड्रेड परसेंट से ज्यादा कुछ श्योर होता है वो है हाँ सॉरी बट आई डोंट नो नाहिद मैं आपसे इम्प्रेस नहीं हूँ टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं हूँ इम्प्रेस्ड मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस्ड हूँ आई फेल इन लव विद यू ऑनेस्टली आई फेल इन लव विद यू मुझे आपकी आवाज़ इतनी अच्छी लगी इनफैक्ट आपकी जो टेक्निक है ना गाने की आई वुड वॉन्ट टू लर्न फ्रॉम यू आप आगे जाएँ तो सच में मुझे कुछ चीज़ें आपकी बहुत अच्छी लगी इतना प्यारा टेक्स्चर है आवाज़ का इतना सुकून है एंड मेरी तरफ से 100 नहीं 1000% हाँ है आइए और गोल्डन टिकट ले जाइए सॉरी वी स्कैर्ड यू आई लाइक क्या गाने वाली हैं आप अनन्या सर मैं हाय रामा गाने वाली हूँ ओह लवली और ये मैं एक्चुअली अरिजीत को भेजूंगा
ठीक है? तुम्हारी टोनल क्वालिटी मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी, बहुत ही ज़्यादा। जो पावरफुल वॉइस है तुम्हारी वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। मुझे तुम्हारे एक्सप्रेशंस भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। अब जहाँ तक बात है कुछ ऐसी नोट्स को टच करने की, वो नोट्स इस परफॉर्मेंस में 10% बेटर हो सकती थी, 20% बेटर हो सकती थी। जो छोटी मोटी चूक हुई है वो अगर तुम्हें बाकी को जजेस भी आगे जाने देने का मौका दें, मेरी तरफ से हाँ है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। अनन्या, पहली बात तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और आई थिंक आप, मैं, हम सब, इनफैक्ट मेरे घर में भी ऑल ऑफ अस आर ह्यूज अरिजीत सिंह फैंस। और जहाँ तक बात रही आपकी सिंगिंग की, अनन्या, आई वॉन्ट टू से यस फॉर यू। थैंक यू। बचपन में आप इससे बहुत बेहतरीन गा चुकी हो ऑलरेडी, तो आगे जाके क्या करोगी? इट्स आई मीन द स्काई इज द लिमिट। आई कांट वेट टू हियर यू। गुड लक, आइए और गोल्डन टिकट ले जाइए। कम ऑन। आजकल रोटी, कपड़ा और मकान के साथ आदमी की जिंदगी में एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है, वो है इंटरनेट। तो फिर इस इंटरनेट के जमाने में ये लोग इंडियन आइडल में क्या कर रहे हैं, चलिए जानते हैं। इंटरनेट मुझे प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा है, इंडियन आइडल मुझे प्लेटफॉर्म दे रहा है, बॉलीवुड में एंट्री देगा। इंटरनेट जो है बेसिकली वो एक नकल वाला एग्जाम है और इंडियन आइडल जो है बेसिकली सिंगर्स के लिए IIT है, तो वो क्रैक करना हर सिंगर के लिए एक सपना होता है। सोशल मीडिया में जितने भी सिंगर्स लोग आए हैं अब तक, कौन नाम लेता है? कोई नहीं लेता है। तो सलमान अली कासिफ क्यों लेते हैं? बिकॉज ही इज द आइडल, उसका एक पहचान है। सो दैट्स व्हाई वी आर हियर। ऑब्वियसली आजकल सब इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, बट देन एक ऑडियंस इंटरेक्शन वाली चीज़ है जो मैं मिस करती हूँ परफॉर्म करते टाइम, एंड इट्स दैट इज़ व्हाट आई वांट। For more updates, subscribe to our channel,
Click the show links and enjoy watching the videos.